की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवारों से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम का पैनल जो है उस पर मुहर लग चुकी है। नरेश अग्रवाल राज्यसभा भेजे जा सकते हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत राज्यसभा भेजी जा सकती हैं, सूत्र बताते हैं। और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी राज्यसभा जा सकते हैं। जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनके नाम भी शामिल है, ये भी खबर आ रही है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में नामों के पैनल पर मुहर लगी है। आपको बताएं कि कल भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई और इसमें यही चर्चा थी, नामों का पैनल भेजा जाएगा। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से कुछ नाम भी निकल करके सामने आए हैं, जैसे नरेश अग्रवाल राज्यसभा भेजे जा सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत का नाम भी सामने आ रहा है, सूत्र बताते हैं कि ये भी राज्यसभा भेजी जा सकती हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी राज्यसभा जा सकते हैं। और जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनका नाम भी शामिल बताया जा रहा है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक के बाद जो नामों का पैनल बना था और उसी पर मुहर लगने की ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए 31 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख और अभी तक उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आए थे, लेकिन कोर कमेटी की बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्द नामों की सूची की जानकारी मिलेगी। और देखिए हमारे सूत्र बताते हैं कि नरेश अग्रवाल राज्यसभा भेजे जा सकते हैं और कौन कौन से नाम पर चर्चा चल रही है, जानते हैं हमारे सहयोगी अनुभव से। अनुभव, कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं, क्या बातें चल रही हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो 11 सीटें हैं जो खाली हो रही हैं उनमें 10 जून को चुनाव होना है और आज से नोटिफिकेशन यानी आज से नामांकन शुरू हो रहा है। 31 मई तक ये नामांकन होगा। उससे पहले जो है कल बीजेपी की जो कोर कमेटी है जिसमें मुख्यमंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, महामंत्री संगठन है, ये सारे लोग मुख्यमंत्री आवास पर इन्होंने बैठक की और चर्चा की, क्योंकि यहीं से नामों का जो पैनल है वो आला कमान को जाना है, शीर्ष नेतृत्व को जाना है। और चूंकि 11 में से 8 सीटें जो है वो बीजेपी जीत सकती है जो उसके पास सदस्यों की संख्या है, तो 5 जो वर्तमान में अभी राज्यसभा के सदस्य हैं उनके नाम कहा जा रहा है कि उस पैनल में है। यानी शिव प्रताप शुक्ला का नाम है, जफर इस्लाम का नाम है, संजय सेठ भी हैं, सुरेंद्र नागर भी हैं, जयप्रकाश निषाद भी हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जब कल चर्चा हुई तो ये 5 नाम तो पैनल में रखे गए हैं, पर 3 और नाम है जिसमें नरेश अग्रवाल का नाम भी शामिल किया गया। और ये पार्टी मानती है कि 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो उन्होंने कहीं ना कहीं वैश्य समाज के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया। एक और महत्वपूर्ण नाम है वो प्रियंका रावत का है। पहले बाराबंकी से वो सांसद थी, फिर उसके बाद अभी वो प्रदेश महामंत्री है, महिला है, तो उनके नाम की भी चर्चा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, देखिए 2022 में जो जीत मिली बीजेपी को उसमें जो उसका सदस्यता अभियान था उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसीलिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी के भी नाम की ब्राह्मण वोटर्स के लिए। और ये काफी महत्वपूर्ण है कि 4 नाम यहाँ से जाएंगे और 4 नाम केंद्र सरकार केंद्र से आएंगे, यानी शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा कि वो 4 नाम कौन होंगे। बिल्कुल, तो अनुभव क्या इसमें 2024 की रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है, क्या समीकरण है जिनका ध्यान में रखा गया होगा? देखिए बिल्कुल रिफ्लेक्शन दिखेगा और ये तो हम बार बार कह रहे हैं कि ना केवल ये जो राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है यहाँ जब उम्मीदवार तय होंगे, बल्कि जब विधान परिषद के अभी जब जुलाई में आप देखिए सीटें खाली होंगी वहां पर भी 13 सीटें खाली हो रही है जहाँ पर बीजेपी 9 सीटें जीत सकती है, तो उसमें भी रिफ्लेक्शन दिखेगा। अनुभव, बीजेपी हर एक कदम करके रखती है, अच्छा खासा होमवर्क होता है, रिसर्च वर्क होता है, तब जाके एक फैसले पर पहुंचते हैं। अनुभव शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यसभा का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, आज से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की खबर आ रही है। आइए चलिए जल्दी से समझते हैं कि बुलेट पॉइंट्स क्या हैं, आज राज्यसभा के चुनाव से जुड़ी क्या अहम चीजें होने वाली है। तो देखिए आज से खबर यह है कि चुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत है और 31 मई तक ये नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 3 जून वो तारीख है जब नामांकन वापस ले सकेंगे और यूपी के कुल 11 सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है। 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है, मतदान होगा और 10 जून को ही शाम 5 बजे नतीजे भी आ जाएंगे। तो ये अहम जानकारी है, ये अहम खबर है और जो बुलेट पॉइंट्स है वो हमने आपके सामने रख दिया है कि विधानसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव को लेकर के जब काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है तो क्या चीजें अभी तक हो चुकी हैं और आने वाले वक्त में कैसे कैसे होंगी। 31 मई तक नामांकन का ये पूरा काम चलेगा और देखिए खबर आ गई है कि कौन कौन हो सकता है, ये हमने आपके सामने रखा। देखिए कितने सदस्य का कार्यकाल खत्म हो रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं। भाजपा के 5 सदस्य जिनमें नाम आता है, शिव प्रताप शुक्ला का, जय प्रकाश निषाद का,
संजय सेठ का, जफर उल इस्लाम का, सुरेंद्र सिंह नागर का, और इसके बाद सपा के कौन से सदस्य हैं जो रिटायर हो रहे हैं? तो देखिए, तीन सदस्य का नाम है, रेवती रमण सिंह और सुखाराम सिंह यादव और विशंबर प्रसाद निषाद। बसपा के भी कैंडिडेट हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वो है सतीश चंद्र मिश्रा और अशोक सिद्धार्थ। कांग्रेस का एक सदस्य भी है जिसकी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वो नाम है, बड़ा नाम है, कपिल सिब्बल का। तो अब ये नाम जो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, तो उनकी जगह पर कौन आएगा, इसके लिए चुनाव होगा। गणित समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक सदस्य के लिए 34 विधायकों की जरूरत होगी, उनके वोटिंग की जरूरत होगी। संख्या बल के हिसाब से 7 सीट पर बीजेपी की जीत तय है, संख्या बल के हिसाब से 3 सीट पर सपा की जीत तय है, 11वीं सीट पर कांटे की टक्कर मुकाबला होगा, ये कयास है। और पहली बार यूपी से कांग्रेस का कोई राज्यसभा सदस्य नहीं होगा, ये बड़ी खबर है। तो यूपी भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवारों से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर कल कोर कमेटी की बैठक हुई, उसमें जो नामों का पैनल भेजा गया, उसमें ज्यादातर नामों पर मुहर लगी है, ये खबर आ रही है। प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत राज्यसभा भेजी जा सकती हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी, बड़ा नाम है, राज्यसभा भेजे जा सकते हैं, 2022 में इनकी भूमिका थी।